गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसएसटी ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड। वी विल रीड हिस्ट्री। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 10 इन हिस्ट्री ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड। चैप्टर टाइटल इज न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कौन कौन से नए राजनीतिक संगठन बने उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। The 18th century was a period of transition for India. The Mughal Empire had started to decay during the last 25 years of reign of Aurangzeb, when he was preoccupied with wars in Deccan. His prolonged absence from northern India hastened the disintegration of the Mughal administration. These events undermined the unity and the stability of empire despite the long and otherwise strong rule of Aurangzeb. As you all know that the Aurangzeb was the last Mughal ruler. Mughal empire ka jo last ruler tha wo last jo shasak tha wo Aurangzeb tha. Aurangzeb ne 25 saal tak shasan kiya. Baad mein is Mughal empire ka patan hone laga. Aurangzeb depleted the military and financial resources of the empire by waging a long and very costly war. While he was away, the powerful governor Subedar began to consolidate their authority in different parts of India. Increase in taxes made peasants and zamindar rebellious. This indirectly hastened the disintegration of Mughal power. Nevertheless, the Mughal dynasty still commanded respect in country. Aurangzeb केवल अपने राज्य के अपने एम्पायर के फाइनेंशियल रिसोर्स में यानी कि उसे आर्थिक रूप से संपन्न करने में लगा रहा, और इस बीच वो कई सालों तक वॉर में भी इंक्लूड रहा, युद्ध में भी लगा रहा। और इस टाइम जो वहाँ के गवर्नर्स थे, जो वहाँ के सूबेदार वगैरह थे, जो पावरफुल बन गए और उन्हें ये अथॉरिटी मिली गई, उन्हें चांस मिल गया कि वो राजा के खिलाफ खड़े हो सके। इंक्रीज इन टैक्सेस मेड पीजेंट्स एंड जमींदार रिबेलियस। धीरे धीरे औरंगजेब के शासनकाल में जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, लगान वसूली बढ़ा दी जमींदारों पर और किसानों पर, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो गए और धीरे धीरे मुगल पावर का एंड होने लगा। लेकिन आज भी ये डायनेस्टी, मुगल एम्पायर की जो डायनेस्टी है, मुगल वंश को आज भी रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। औरंगजेब डेथ In 1707 led to a war of succession among his three sons. The 65-year-old Bahadur Shah armed victorious, but soon after the death of Aurangzeb, the Mughal governors of Bengal, Awadh and Hyderabad declared their independence from Mughal rule. Aurangzeb ki death ke baad Bengal, Awadh aur Hyderabad ke governor, Mughal governors ne मुगल शासकों ने अपने आप को मुगल रूल से, मुगल शासन से अलग कर दिया। द रेबिलियस ऑफ द सिख जाट एंड सातनवीस हैड ऑलरेडी वीकन इन मुगल एम्पायर। इसके और इसके साथ साथ सिख जाट की तरफ से जो विद्रोह हुए उनकी वजह से भी मुगल एम्पायर वीक हो गया, मुगल शासन की नींव डगमगाने लगी। द रोहिला पठान ऑक्यूपाइड द प्लेन्स ऑफ गंगा। रोहिला पठान जाति ने गंगा के मैदानों पर अपना कब्जा कर लिया। द पठान दसे के अफगान कैप्ड आउट देयर इंडिपेंडेंट स्टेट इन टेरिटरी बिटवीन यमुना एंड सिंध। पर्सियन रूलर नादिर शाह फॉलोड बाय अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। नादिर शाह जो कि जिसे अफगानी रूलर अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण करने के लिए भारत में बुलाया गया था, दे क्रिएटेड काओस एंड टुक बैक ह्यूज प्लंडर। उन्होंने भारत में आकर बहुत षड्यंत्र रचे और यहाँ के लोगों को भड़काया। नादिर शाह कैरिड ऑफ हिज फेमस ऑफ द फेमस कोहिनूर डायमंड एज वेल एज द फेबुलस पिकॉक थ्रोन दैट ओरिजिनली बिलोंग टू शाहजहां एंड विच वॉज इंस्टॉल्ड इन द दीवान आम इन आगरा फोर्ट। नादिर शाह जो कि एक पर्सियन रूलर था, जो कि पर्सिया से आया था, पर्सियन शासक था, उसने भारत में आकर शाहजहाँ जो मुगल एम्पायर था उसने कोहिनूर डायमंड और जो फेमस पिकॉक थ्रोन है, जो मयूर सिंहासन है जो उसे विक्रमादित्य से मिला था, उसे चुरा कर ले गया और उसने उसे
आगरा फोर्ट के दीवाने आम में स्थापित कर दिया। दस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंडिया स्लिप्ड इन टू डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। इस तरह से 18th सेंचुरी के आते आते भारत में कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डगमगा गई थी। इट वॉज वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, वो भारतीय इतिहास का बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही अंधकारमय काल है। द लेटर मुगल्स। विद द ब्यूरियल ऑफ औरंगजेब आलमगीर, द ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर वाज ऑल्सो लेट टू रेस्ट। औरंगजेब की डेथ के साथ ही, उनकी कब्र के साथ ही मुगल एम्पायर का भी विनाश हो गया था, अंत हो गया। द रूलर्स हु एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर औरंगजेब आर कॉल्ड लेटर मुगल। औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल एम्परर के शासक बने, राजा बने, उन्हें लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है। देवर लेसर मैन दैन देयर इलस्ट्रियस एंसेस्टर। वो अपने पहले के शासकों से कमज़ोर थे, अपने पूर्वजों से थोड़े कमज़ोर थे। अ वार ऑफ सक्सेशन बिगेन अमंग द सन्स ऑफ औरंगजेब इन विच प्रिंस मोजम केम आउट सक्सेसफुल। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ बहादुर शाह एंड बिगेन हिज रीजन। राजगद्दी पाने के लिए औरंगजेब के बेटों में भी जंग छिड़ गई थी, जिसमें जो राजकुमार मोजम है वो विजयी हुआ, सक्सेसफुल हुआ और उसे बहादुर शाह का टाइटल दिया गया और उसने अपना शासन 1707 ईस्वी में शुरू किया। बहादुर शाह फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलेशन एंड ट्राई टू मैन फेंसेस विद द राजपूत। बहादुर शाह ने एक नीति अपनाई जिसमें उसने राजपूत राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके अलावा जाट और सिखों के साथ भी उन्होंने समझौते की नीति अपनाई। ही अडॉप्टेड अ मोर टॉलरेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू चीफ एंड राजा। इसके अलावा उसने हिंदू राजा और जितने हिंदू मिनिस्टर्स हैं उनके प्रति भी सहिष्णुता की भावना अपनाई। ही रिलीज शिवाजी ग्रांडसन शाहू। उसने शिवाजी जो कि मराठा शासक थे, उनके पोते शाहू को भी आज़ाद कर दिया। इनफैक्ट थ्रू दिस डिप्लोमेसी ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट अमॉन्ग द मराठा। दिस पॉलिसी सक्सीडेड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए उसकी जो कंप्रोमाइज़ की नीति, समझौते की नीति है दूसरे राज्यों के साथ, वो असफल रही। द शॉर्ट रीजन ऑफ बहादुर शाह वॉज फुल ऑफ ट्रबल। लेकिन बहादुर शाह का जो भी शासनकाल था वो बहुत छोटा था, लेकिन वो ट्रबल से, मुसीबतों से भरा हुआ था, परेशानी से भरा हुआ था। ही कुड नॉट कंट्रोल द राइजिंग पावर ऑफ द मराठा एंड सिख और मराठा की बढ़ते हुए शक्ति को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। ही डाइड इन 1712 CE। द मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से देखा जाए तो लास्ट जो रूलर है मुगल एम्पायर का, वो बहादुर शाह जफर को माना जाता है। वाज द सन ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ औरंगजेब। ही प्रैक्टिस्ड इन 1857 रिवॉल्ट एंड वाज रिपोर्टेड टू रंगून बाय ब्रिटिश रूलर्स वेयर ही डाइड इन 1862। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में इसे रंगून की जेल में भेज दिया गया और जहाँ पर 1862 में उनकी डेथ हो गई। एज इफ ऑल दिस वॉज नॉट इनफ ट्रबल फॉर द मुगल रूलर्स, दे ऑल्सो हैड टू फेस सीरीज ऑफ अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। केवल इतना ही नहीं, मुगल रूलर्स के लिए और भी बहुत परेशानियाँ थी, जो परेशानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मुगल एम्परर के जो रूलर्स थे, आने वाले शासक थे, उन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ से बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारे आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। दिस अटैक्स सेप्ड देयर स्ट्रेंथ एंड एस्केलेटेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिससे उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई। नाउ वी विल स्टडी फॉरेन इन्वेजन, मीन्स बाहर से आने वाले जो विदेशी कौन कौन से आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आकर आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ से क्या हासिल किया। नाफा से नादिर शाह एज यू नो वॉज अ पर्शियन रूलर। ही बिलोंग टू पर्सिया ईरान, वो पर्शिया से बिलोंग करते थे। ही इन्वेडेड इंडिया इन 1739 CE, अट्रैक्टेड बाय द फेबुलस वेल्थ ऑफ फॉर विच इट वॉज ऑलवेज फेमस। वो भारत, नादिर शाह भारत में क्यों आया था, क्योंकि आपको पता है कि भारत को द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। भारत पहले बहुत ही समृद्धशाली देश था, यहाँ पे सोने चांदी के भंडार बहुत भरे हुए थे। तो यहाँ की वेल्थ से, यहाँ की संपत्ति से अट्रैक्ट होकर ही नादिर शाह भारत में आया था।
तो उसका जो मेन गोल था वो था यहाँ से सोने चांदी को यानी कि धन धन प्राप्त करना। हिज आर्मीज मार्च्ड अनअपोज्ड थ्रू पंजाब नादिर शाह रीच दिल्ली एंड ऑर्डर्ड अ जनरल मैसक्रेड। नादिर शाह दिल्ली में पहुँचा एंड द इन्वेंटर प्लंडर्ड एम्प्रेस वेल्थ। नादिर शाह ऑल्सो कैरिड अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड ज्वेल्स स्टड पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से शाहजहाँ के सिंहासन पे लगा के मयूर सिंहासन पे लगा हुआ जो फेमस कोहिनूर डायमंड है वो चुरा कर ले गया। टुडे इट ऑक्यूपाइड द प्राइड ऑफ प्लेस इन गुलिस्तान पैलेस इन ईरान। आज के समय में ये जो कोहिनूर हीरा है वो ईरान में है। द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह ब्रॉक द बैक ऑफ मुगल पावर एंड हैस्टन द राइज ऑफ मराठा। नादिर शाह के इस काम से मुगल एम्पायर की जो पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और मराठा शक्ति भी शक्ति का जो उदय था वो भी कम हो गया। नेक्स्ट फॉरेन रूलर वॉज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वॉज द सन ऑफ एबलेस्ट जनरल्स ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह के कुछ जो मुख्य जनरल्स थे उनमें सबसे जो बड़ा था वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली बिकेम द रूलर ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर हिज मास्टर डेथ। नादिर शाह की डेथ के बाद अहमद शाह अब्दाली नया शासक बन गया था। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ नादिर शाह ही इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया 5 times बिटवीन 1748 एंड 1761। 1748 से लेकर 1761 के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 times आक्रमण किया। Meanwhile, the Marathas under the Peshwas were getting stronger day by day. और इसी समय में जो मराठा थे पेशवा लोग थे वो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे। They wanted to reinforce their control by taking advantages of rather weak Mughal emperor. But at this point of time, they came into conflict with Ahmed Shah Abdali and were drawn into battle. The third battle of Panipat was fought between Maratha and Afghan in 1761. Panipat का जो तीसरा युद्ध है वो मराठा और अफगानियों के बीच में 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली inflicted a crushing defeat on the Marathas, forcing them to retreat to Deccan for some time. The Mughal emperor now ruled only in name. अब मुगल एम्पर के जो शासक थे वो सिर्फ नाम के लिए रह गए थे। मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स नाउ अरोज थ्रू आउट द कंट्री। अब पूरे देश में अलग अलग राज्य बनने लग गए थे। शाह आलम सेकेंड एस्केंडेड द थ्रोन इन 1759 में एक नया शासक बना जिसका नाम था शाह आलम सेकेंड। ही सफर्ड द डिस्ग्रेस ऑफ कमिंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मराठास हुदेफोर आफ्टर देयर आफ्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। बाद में शाह आलम ने इंडियन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुगल एम्परर कंटिन्यूड टू रूल इन द नेम अंटिल 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ जब क्रांति हुई तब तक मुगल एम्परर ने शासन कंटिन्यू रखा। बट द रियल पोलिटिकल पावर इन 18th century हैड शिफ्ट टू अ न्यू किंगडम। लेकिन 18th century आने तक जो पूरी पावर है वो दूसरे अलग अलग किंगडम में अलग राज्यों में बढ़ गई। इट वॉज अ डॉन ऑफ अ न्यू एरा। अब ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब मुगल एम्परर का अंत हो चुका था। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट स्वतंत्र राज्यों का उदय। फर्स्ट इज बंगाल। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज फर्स्ट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल रूल इन 18th century 18वीं शताब्दी में सबसे पहले मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने वाला जो राज्य था वो बंगाल था। बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इट वॉज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान फ्रॉम 1717 to 1727। बंगाल पर पहले 1770 से लेकर 1727 तक मुर्शिद कुली खान नामक शासक का राज्य था। ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट ढाका एंड नेम्ड इट मुर्शिदाबाद। उसने ढाका नाम की जगह को अपना कैपिटल बना अपनी राज्य की राजधानी बनाया और इसका नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय शमसुद्दौला इन 1727 to 1739 CE। अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला
इसके बाद इसके इसके शासक बने, बंगाल के शासक बने। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट वॉर अवध, द प्रोविंस ऑफ अवध बंगाल एंड मैसूर ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्स बाय सूबेदार। द सूबा ऑफ अवध बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1722 ईस्वी में। जो सूबे अवध के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वैन अ पर्सियन शिया नेम्ड सदत खान वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ अवध बाय मोहम्मद शाह द मुगल एम्पायर। मोहम्मद शाह जो एक मुगल एम्पायर था उसने अवध का एक नया गवर्नर घोषित कर दिया जिसका नाम था सदत खान। सदत खान रैपिडली रोज टू फेम एंड पावर एंड ही वाज समन टू दिल्ली एट द टाइम ऑफ नादिरशाह इन्वेशन। सदत खान बहुत ही फेमस हुआ और बहुत ही पावरफुल रहा और बाद में नादिरशाह द्वारा से दिल्ली में आक्रमण करने के लिए बुला लिया गया। ही वॉज डिप्यूटेड द किंग टू नेगोटिएट विद नादिरशाह एंड परस्यूड हिम टू डेजिस्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द सिटी एंड रिटर्न टू हिज कंट्री ऑन अ पेमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नादिरशाह ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे देकर यहाँ पर आकर यहाँ के सिटी को नष्ट करने का काम दिया था और वापस अपने देश लौटने को कहा था। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ 18th सेंचुरी वॉज हैदराबाद। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय चिंकिल्स खान इन 1761। इट वॉज रूल्ड बाय निज़ाम अली। ही वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मलिक आसफ जहाँ बाय द मुगल एम्परर। सो हिज डायनेस्टी केम टू नोन एज आसफ जाही डायनेस्टी। मुगल एम्परर के द्वारा चिंकिस खान को निज़ाम उल मलिक आसफ खान का टाइटल दिया गया था। इसकी जो डायनेस्टी, इसका जो वंश है वो आसफ जाही वंश के नाम से जाना जाता है।